वो नहीं खानी नहीं है भाई भाई, बस 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 हौसला रख भाई हौसला रख। बिल्ली ले गई है इनकी मुर्गी और इन्होंने 10 अंडे रखे थे उसके नीचे, और ये मुझे कह रहे हैं कि आप अपनी मुर्गी के नीचे रख लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। सबसे पहले अपने चूज़ों को छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आ जाएं जी। शेर मिनी फौज आ गई। छोड़ने के बाद अपना सचिन भी छोड़ देते हैं। ये रहा जी हमारा SHO। क्या बात है SHO साहब की। SHO तो जनाब पूरे फार्म का SHO ही होता ना फिर। और अभी अपने टॉम एंड जेरी और पिजन्स को भी आज़ाद कर देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं लकड़ी ताकि दरवाज़ा खुला रहे। टॉम एंड जेरी को देख लेते हैं, वो देखें सामने टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी से ना डर के सारे कबूतर ऊपर ही बैठ जाते हैं, ये देखें। तो दोस्तों हमारे टॉम एंड जेरी जो है ना बाहर आ चुके हैं, ये देखें। दोनों जो है ना बड़े मज़े के साथ पानी पी रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये रात का पानी है, मुझे चेंज करना चाहिए ना ये वाला पानी, क्योंकि ये सारी रात पानी इधर ही पड़ा रहा है। तो अभी मैं जाता हूँ बाल्टी लेके, वहाँ से पानी लेके आता हूँ बाहर से नलके से न्यू, ताकि फ्रेश फ्रेश पानी पी सकें हमारे परिंदे। दोस्तों ये वाली ब्लैक डक जो आपको नज़र आई ना, ब्लैक और वाइट, ये वाली हम न्यू लेके आए थे, और 4 डक्स वो आपको पता है कि पहले ही हैं हमारे पास। वो उधर सामने बैठी हुई हैं, वो देखें किन्नू के पौधे के नीचे बैठी हुई हैं। पानी मैंने दोस्तों भर लिया है, पानी लेके अभी मैं जा रहा हूँ। काफ़ी वजनी है, इतना बंदा मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन पानी ज़्यादा उठा लिया मैंने ना। टॉम एंड जेरी जो है ना पानी के अंदर ही बैठे हुए हैं दोस्तों। हाँ जी, इनकी ना मुझे चाल बड़ी पसंद है, जैसे चलते हैं ना छोटे छोटे मटक मटक के चलते हैं, ये देखें। आजो आजो आजो, चलो चल के दिखाओ, ये देखें दोस्तों कैसे चलते हैं। इनके ना स्टाइल ही बड़ा प्यारा है, मुझे लगता है मुझे ना सबसे ज़्यादा क्यूट यही लगे हैं अपने टॉम एंड जेरी ना। पहले वाला नीचे गिरा देते हैं, ये जी नीचे गिरा दिया पानी। अभी इसके अंदर डाल देते हैं जनाब नया पानी। ये जी पानी नया कर दिया, सारे चूज़े पानी की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, ये देखें। बाकी पानी मैं सोच रहा हूँ कि चूज़ों के कैच के अंदर छिड़काव कर दिया जाए, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इस वजह से ना ये SHO के काम चेक करें, मुर्गी को तंग कर रहा है जाके। कबूतरों का पानी भी चेंज कर देते हैं जी। कबूतरों का पानी जो है ना ख़त्म हो चुका है, देखते हैं, ये देखें सारा जो है ना इन्होंने पी लिया है। बल्कि कबूतर तो इतना नहीं पानी पीते, इस कैच में ना कबूतरों के साथ टॉम एंड जेरी भी होते हैं, तो वही ज़्यादा पानी पीते हैं। ऐसे ही ना, बताओ कौन पानी ज़्यादा पीता है, तुम बताओ वाइट लग के। ये देखें सारे लाल है, यश यश यश। आओ भाई कबूतरों पानी पी लो यार। कबूतर के काम चेक करें दोस्तों, पानी के अंदर बैठ गया आके ना, इसको लगता है आज गर्मी लग रही है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हुई तो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है इसको बेचारे को गर्मी लग रही है, इस वजह से पानी के टब के अंदर ही बैठ गया आके। हाँ भाई कैसा फील हो रहा है, मेरा छोना ओल है वो गया बेचारा। मैंने जेरी नज़र आ रहे, पता नहीं किधर चले गए। तो मैंने जेरी किधर गए यार? हाँ ये है, एक है, ये तो टॉम है। तू मैं जेरी किधर गया? ओ जेरी किधर है, हैं? आ गया, ओ ये बैठा जेरी। जेरी की शरारतें बड़ी भी है, पी लगती हैं मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, किधर से आ रहे हैं? मैं चारा लेने गया था। इतने लेट आ रहे हैं आप? चारा डाल के आ जाने को। चलें आ जाएं, मैंने सारी फौज छोड़ी हुई है। टॉम एंड जेरी कहाँ पे है? टॉम जेरी अंदर है, टॉम बाहर है। अच्छा दोस्ती की होगी आपस में ना? हाँ बड़ी अच्छी दोस्ती है यार इनकी तो। और ये SHO? SHO खड़ा है, सबको देख रहा है क्या हो रहा है। वैसे इसकी दोस्ती नहीं हो रही किसी के साथ? हाँ नहीं, अब दोस्ती हो रही है इसकी भी, हो रही है ना। हाँ अब मज़े कर रहे हैं सारे, ये देखें ये वाला काम ठीक है। आज ये काम भी करना है, प्याज भी उठाना है। प्याज हार्वेस्ट करना है दोस्तों आज ना, प्याज को हार्वेस्ट करना है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ी देर में जाते हैं खेत के अंदर। कैसे चलते हैं? मैंने कहा खुले रहने दो। नहीं इनको काम देखो, टॉम के
क्या हो रहा है एसएचओ के साथ पंगे ले रहा है? पंगे ले रहा है एसएचओ ने, एक ही चोनी मारनी है उसे। चलो चलो हाँ चलो 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 तो ये बकरा ऊपर चढ़ गया चारपाई के। चल भाई थल्ले में चलो। ओहो दोस्तों इसको क्या हो गया, ये देखे ना इसके पाँव पे ना चोट लग गई है बेचारी के। असल में ना इधर कांटे वगैरह ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से जानवरों के कांटे भी लग जाते हैं। डक्स हमारी चेक करें, सारा दिन आज़ाद घूमती हैं, बाहर घूमती रहती हैं आवारा गर्द। इनको लेके आए थे, ये आवारा गर्द नहीं थी हमारी डक्स ना, लेकिन इन पहले वाली डक्स ने इनको भी आवारा गर्द बना दिया। ये देखें दोस्तों आज सुबह से लाइट नहीं है, इस वजह से फिर आज ट्यूबवेल से पानी भर के जानवरों के लिए लेने जा रहे हैं। ये हमने कैन रख लिया है इसके ऊपर। बाल्टी की जरूरत पड़ गई जी, क्योंकि ट्यूबवेल के अंदर पानी डालना पड़ेगा पहले थोड़ा सा, फिर पानी आएगा काफी ज्यादा। हाँ छापड़ लगा, ये इंशाल भाई पानी डाल रहे हैं। लो जी दोस्तों ट्यूबवेल चलने लगा है अभी। ड्रम रख लेंगे ट्रैक्टर के पीछे और इसके अंदर पानी भर लेंगे फुल। डेरे के ऊपर पहुंच चुके हैं जी दोस्तों। बाल्टी सारे जानवरों को देखें कितनी ज़्यादा प्यास लगी हुई है, सुबह से पानी नहीं पिलाया तो अभी ये देखें ये पहुंच गया ट्रैक्टर इधर। लो जी दोस्तों पानी आ गया इधर। दोस्तों पानी आ गया तो इंशाल भाई अभी जानवरों को पानी पिलाना स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी इंशाल भाई पानी पिलाते हैं तो हम एक और काम कर लेते हैं, तो आपको खेत के अंदर लेके चलते हैं। पानी पिलाने के बाद जानवरों को इधर छांव में बांध देते हैं, अभी इधर सारे धूप में खड़े हुए हैं। हाँ भाई इसके कमर के ऊपर ना हल्की सी चोट लगी हुई है, ये देखें दोस्तों मैं आपको जरूर ये देखें, तो ये पता नहीं किस वजह से हुआ है, हल्का सा इसके ना फोड़ा सा बना हुआ है, तो इसको मेडिसिन भी लगाई थी तो इंशाल्लाह अभी ये जल्दी जल्दी सही भी हो रहा है। तो जी दोस्तों ये भाई अंडे लेके आए हैं छोटे भाई, क्या हुआ है आपकी मुर्गी को? बिल्ली ले गई है। बिल्ली ले गई है इनकी मुर्गी, और इन्होंने 10 अंडे रखे थे उसके नीचे, और ये मुझे कह रहे हैं कि आप अपनी मुर्गी के नीचे रख लें जो सेम डेज पे हमने बिठाई थी ना। ठीक हो गया, तो ये 10 अंडे हैं उसके नीचे, ऑलरेडी 14 अंडे हैं। चले करते हैं कुछ यार। आपकी मुर्गी कैसे ले गई है बिल्ली? पता नहीं पैसे का द्वारा खुदा था। अच्छा, और हम पैसे का रहे थे वो लेकर चली। ओए यार बड़ा अफसोस हुआ है। चले ठीक हो गया रख लेते हैं। ठीक है चेक करते हैं रख के। दोस्तों मैं सारा काम निपटा के आ गया हूँ खेत के अंदर। अभी ना इधर कोयल की आवाज़ आ रही थी बड़ी प्यारी सी, एक मिनट सुनेगा ज़रा। ये है जी इलायची का पौधा, इसके ऊपर इलायचियाँ तो काफ़ी लगी हुई हैं, ये फूल भी देखे हम काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, बट दोस्तों एक मसला आ जाता है जब इसकी इलायची थोड़ी सी बड़ी होने लगती है ना तो ये सूख के नीचे गिर जाती है, तो इसका हमें समझ नहीं आता कि इधर क्यों होता है। तो हमें बाद में पता चला कि ये ना फिर गर्म इलाके के अंदर ना इसी तरह से होता है, अगर ये पौधा ठंडे इलाके में होता ना तो इसके अंदर बेशुमार इलायचियाँ लगनी थी। हाँ माशाल्लाह काफ़ी लगे हुए हैं इसके ऊपर अभी। तो देखें जी हसन भाई ने कितने सारे प्याज हार्वेस्ट कर लिए हैं माशाल्लाह। ये बीच में मिर्चों के पौधे हैं ना जी, मिर्चों के पौधे नहीं उखाड़ने। हाँ ये देखें मिर्चें कितनी लगी माशाल्लाह हमारी है ना, जबरदस्त यार बड़ी स्पीड लगा रहे हैं यार आप, तो मुझसे इतनी स्पीड नहीं लगती। वाह ये है हमारे प्याज, ओनियन है, ओनियन है हमारे गंडा आने वसल आखते हैं बसल, इसको सराइकी में बोलते हैं सराइकी में बसल, पंजाबी में इट इज गंडा, सराइकी में इट इज बसल,
एंड उर्दू में इट इज प्यार, एंड इंग्लिश में ओनियन ओनियन। और ऊपर देखे गमलियां लगी हुई हैं माशाल्लाह जबरदस्त। ये क्या है? ओ नहीं खानी नहीं है भाई भाई, बस 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 हौसला रख भाई हौसला रख। मैं खा के दिखाऊँ आपको, दिखाएं आपको ये आईफोन 14 प्रो मैक्स गिफ्ट में दिया जाएगा। कौन सा आईफोन 14 प्रो मैक्स जिससे वीडियो बना रहे हो? ये मेरा हो जाएगा अभी भी तो मेरा ही है। मुझे याद है पता ही नहीं यार, जिसने पकड़ा वो उसका ही होता है। मेरा आया तो मैंने पकड़ा है। जो देसी मिर्ची होती है ना वो ज्यादा कड़वी होती है, ये देसी नहीं है। अगर देसी नहीं है तो इससे भी देसी होती है। जो छोटी होती है बहुत ज्यादा कड़वी होती है, इससे भी ज्यादा कड़वी होती है। लेकिन असल देसी नहीं है, ये भी देसी है यार। इससे मीठी क्यों है यार? फिर इससे भी फार्मी होती है, वो लंबी लंबी होती है, वो तो वैसे ही मीठी होती है। कुछ हो ही ना मुझको दे ला कोड़ी। तो दोस्तों अभी हम अपना प्याज हार्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए हमारा प्याज बिल्कुल तैयार हो चुका था। हसन क्या हो गया? अच्छा ये देखिए सारा प्याज हसन भाई ने हार्वेस्ट करके रख दिया है। हो गया काम कंप्लीट? हो गया। तो जी दोस्तों हमने प्याज जो है ना तकरीबन अपना आधा जो है वो ट्राली के ऊपर लोड कर लिया है। अभी ये देखें प्याज के जो सारे पत्ते हैं ना इसके साथ ही हैं, तो ये यहाँ से ना यहाँ से काटे जाते हैं। दोस्तों ये देखें इस नाली के ऊपर ना हमने ये छोटे छोटे खड्डे बना दिए। वो इसलिए बनाया क्योंकि इस साइड पे ना हमारी कोई भी फसल नहीं बची, सिर्फ ये मिर्चों के छोटे छोटे पौधे हैं। तो ये इस साइड पर सारी जगह घेरी हुई है ना, तो इनको ना यहाँ से उखाड़ के यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से हम लोग लगा रहे हैं पौधे एक एक करके। ये वाला पौधा जी अभी हमने लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों प्याज हमारा हार्वेस्ट हो गया है और हमारे जा रहा है ट्रॉली के ऊपर डेरे की तरफ। टक समारी देखे कैसे भाग के अंदर जा रही है, पता नहीं डर गई है। अभी ना चूजों को डाल रहे हैं हुसैन भाई चावल, बाहर नहीं छोड़ने क्योंकि ये ना तंग करते हैं। शाम काफ़ी हो गई है तो इसलिए आज इनको नहीं छोड़ेंगे, इनकी फीड जो है ना अंदर ही डाल देते हैं इनको ना। चावल मुर्गे को भी डाल दिए हैं, अकेला ही खा रहा है बेचारा। और कबूतरों को भी डाल दिए हैं। कबूतर खा रहे हैं? सारी फीड खत्म कर गया कबूतर। हाँ यार आज तो सारी फीड खा लिया कबूतरों ने। पानी भरने के लिए आए हैं हुसैन भाई अभी। तो जी दोस्तों अभी मैं खेत के अंदर पहुंच चुका हूं और आपको दिखाता हूं कि किस खेत के अंदर हल चलाया है। और ये वाला खेत है जिसके अंदर अभी मामू हल चला के गए हैं। तो चेक करें दोस्तों यहाँ पे रूटर लगा दिया, वो सामने जो खेत है ना वहाँ से हमने सुबह के टाइम प्याज जो है ना अपना वो खड़ा था। वो सामने बिल्ली है दोस्तों, वो देखें ये हमारे ना इधर फार्म पे आती है, चूज़ों वगैरह पे भी अटैक यही करती होगी। अभी हुसैन भाई भी आ गए हैं। हाय। हाय। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी मैं ना इधर आया हुआ था यहाँ पर। हल मैंने दाना पानी डाल दिया, पानी भी चेंज कर दिया, ठीक हो गया, लॉक करके आ गया हूं। ठीक है ना? ओके हो गया सारा, डन हो गया। यार आज मौसम चेक करो कितना प्यारा बना हुआ है यार, ये मिट्टी की वो बड़ी प्यारी है। जब गांव के अंदर मट्टी के अंदर हल चलता है ना जिस तरह अभी ये चला हुआ है, तो इसकी जो खुशबू होती है ना वो उसको सूंघने का अपना ही मज़ा है। माशाल्लाह मेरी ये फेवरेट है, जब ज़मीन को पानी लगता है और उसके ऊपर हल चलाया जाए ना इस तरह से, तो मैं बड़े शौक से ऐसे महसूस करता हूँ। आए हाय हाय हाय। अभी आपको गाड़ी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, मामू कड़ा लेके आए हैं खेत को लेवल करने के लिए। तो अभी यहाँ पे कुछ काश्त करना है उन्होंने। ये आप खा क्या रहे हैं? मैं टमाटर खा रहा हूँ वहाँ पे काश्त। अल्लाह के बंदे कच्चा टमाटर खा रहे हैं यार, बड़ा मज़ा आता है, खट्टा खट्टा है। इमलियाँ लेके जाते हैं घर। क्या करेंगे? चटनी बनाएंगे। ओह ठीक है, नीचे गिरी पड़ी है वही उठा लेते हैं, ज़ाया नहीं करेंगे ऊपर से, ये ताज़ा ही गिरी है। कैसे करते हैं? मुझे नहीं पता। काफ़ी दो तीन
ये देखो मैंने भी इतनी सारी उठा ली है, काफी है, मुझे भी मिल गई है, दो तीन ले लो बाकी फेंक दो। इस तरह से जमीन लेवल की जाती है गांव के अंदर, जो गांव वाले हैं उनको तो पता है लेकिन शहर वालों को नहीं पता इस चीज़। मेरी बात कर रहे हैं आप गांव वाले हैं? हाँ हम गांव वाले हैं। ये तो लो आज का व्लॉग एंड कर दो यहाँ पे, एंड कर दें। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर, हम दोनों भाइयों को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज। मुझे कांटा लग गया अभी, कांटा लग गया है, ध्यान से आना था यार तुमने। चलो ठीक है ओके, वो इतना बड़ा है, छोटा सा लगा। चलें बचत होगी है ना। हाँ ओके हो गया, नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़।